प्रथम तहलका न्यूज। बल्लभगढ़ में एक बेटी की हत्या की घटना के बाद अब पूरे देश में उबाल है। सब सड़कों पर हैं और चाहते हैं कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक निकिता जिसके तमाम सपने थे, जो आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन एक सरफिरे आशिक ने जबरदस्ती पहले उसे गाड़ी में बैठाने की कोशिश की और जब वो नहीं मानी तो उसको सरेआम ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण राजनीति भी गरमाई हुई है। वहीं करनाल में राजपूत समाज, नगर निगम के कच्चे कर्मचारी और महिला संगठनों ने अलग अलग मिलकर सड़क पर आकर निकिता के लिए इंसाफ की मांग करते हुए प्रदर्शन किया और दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। ये आज जो प्रदर्शन है राजपूत सभा करनाल की तरफ से है, क्योंकि हमारे समाज की एक होनहार लड़की, जिसने शुरू से ही नर्सरी क्लास से ही वो हमेशा टॉप करती रही है और वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, देश की सेवा करना चाहती थी, उस लड़की को निर्मम हत्या उसकी कर दी गई है। तो हमारी ये सभा की मांग है, आज हम सिर्फ डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, यदि उनके ऊपर अच्छी कार्रवाई नहीं हुई, यानी उनको फांसी नहीं दी गई, सख्ती से उनके साथ कड़ाई से उनके साथ पेश नहीं आती है हमारी पुलिस, हमारी सरकार, तो हम सड़कों पे उतर कर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। प्रशासन की निकम्मी कार्रवाई तो रहती है। अब बल्लभगढ़ का केस देख रहे हो आप, क्लियरली दिख रहा है उन्होंने गोली मारी है और अभी तक वो उनको अंदर किया गया है। अब क्या होगा, दोनों तरफ से पैरवी होंगी, ट्रायल चलेगा, उसके बाद बरी भी हो सकता है। जब वो गोली मुजरिम गोली कर सकता, अपराधी गोली मार सकते हैं, तो क्या हमारे कानून में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें सूट एंड साइट हो सके? बल्लभगढ़ वाले केस से पहले यूपी वाला केस देख लो, उसमें भी गाड़ी पलटी थी। अगर उसमें गाड़ी पलट के सूट एंड साइट हो सकता है, क्या हमारी बेटी को कोई इंसाफ नहीं मिल सकता? ये तमाशा बना रखा है प्रशासन ने सरेआम वीडियो की इज्जत लूटने के लिए। इससे ज़्यादा इनके पास कुछ नहीं है, इनका काम यही है। जब क्रिमिनलों को इतना इन्होंने, आपने भी बोला अभी कि जब ट्रैफिक में चालान काटने के लिए इनका सारा कुछ रिकॉर्ड होता है और घर तक भेज देते हैं, ये मुजरिमों को पकड़ने के बाद भी इसका ट्रायल तक छोड़ देते हैं उन्हें। शर्म आती है ऐसी निकम्मी सरकार पर, जहाँ बेटियों के सरेआम बलात्कार होते हैं उसके बाद भी आँख मूंद करके बैठे रहती है। उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया, उसका ये गुनाह था कहीं ना कहीं। ये जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया है, वो सुरक्षा की तो है जो अभी तक बैठे हुए हैं, क्यों नहीं कुछ हुआ उनके साथ? एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ उनके साथ? क्योंकि वो राजनेताओं के चंगुल से बैठे हुए हैं, घुसखोरों से बैठे हुए हैं। और क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सरकार ही खराब हो रखी है, भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट सरकार, जहाँ पर बेटियों की इज्जत ही लूटने का काम होता है। और होता है क्या यहाँ पर? हम तो सारे इसीलिए पहले भी हम बैठे धरने पर, शायद फिर दोबारा से अब शुरू होगा यही काम हमारा। दरअसल अलग अलग संगठनों ने जिला सचिवालय पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। बहरहाल अब देखना होगा कि प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर हो रही राजनीति से परे हटकर बेटी को इंसाफ कब तक मिल पाता है। प्रथम तहलका के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट।